वेलकम चिल्ड्रन, क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव बुक से जो चैप्टर 3 है द लिटिल गर्ल, आज हम करेंगे उसके एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके बारे में है? अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर, एक छोटी सी बच्ची और उसकी क्या फीलिंग थी उसके पापा को लेके, उसके बारे में। Why was Kezia afraid of her father? उसके पापा से वो इतना डरती क्यों थी? क्योंकि वो उससे रूडली बात करते थे, वो हमेशा उसको लगता था हार्ड हार्टेड है, और एक बार उन्होंने उसकी पिटाई भी कर दी थी। तो इन सब रीजंस की वजह से राइट आंसर है डी। Who is the author of this story? ऑथर है इस स्टोरी की कैथरीन मैंसफील्ड। Why does grandmother ask the little girl to make a present for her father? जो दादी होती है बच्ची की, वो उसके पापा के लिए एक गिफ्ट बनाने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि अगले वीक उनका बर्थडे आने वाला था। Name the people in Kezia's family. Father थे, mother थी और grandmother. So right answer हो गया D. What did Kezia's father do before going to his office? Office जाने से पहले वो Kezia को किस करते थे? What was Kezia's father routine after coming back from his office? Office से आने के बाद क्या करते थे उसके पापा? He used to take tea, चाय पीते थे और newspaper पढ़ा करते थे। What did Kezia's father do on Sundays? He used to have sound sleep, गहरी नींद लिया करते थे और rest लेते थे Sundays को। How did Kezia's grandmother help her to have a better relation with her father? जो Kezia की दादी थी वो ये चाहती थी कि Kezia के रिलेशनशिप उसके पापा के साथ अच्छे हो जाएं, इसके लिए वो क्या करती थी? उन्होंने क्या किया? By sending her to talk to him in his room, वो संडे को Kezia को उनके रूम में भेजती थी जिससे वो दोनों जो फादर और डॉटर हैं थोड़ा बात कर पाए। What did Kezia mother ask to make? सॉरी मदर नहीं है, ये है ग्रैंड मदर, सॉरी। तो ग्रैंड मदर ने क्या बोला था? अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन बनाने के लिए, क्योंकि उसके पापा का बर्थडे आ रहा था। व्हाई डिड Kezia's एफर्ट्स टू प्लीज हिज फादर इरिटेटेड हिम? Kezia अपने पापा को खुश करना चाहती थी लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उसने शी हैड टॉर्न हिज इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स, क्योंकि उसने पापा के इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था। व्हाट डिड Kezia थिंक ऑफ हर फादर? उसको लगता था कि उसके पापा जो है बहुत ज्यादा हार्श है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, व्हाई डिड Kezia अवॉइड हर फादर? अपने पापा को हमेशा अवॉइड क्यों करती थी? क्योंकि शी वॉज अफ्रेड होम ऑफ हिम, वो उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। Who was McDonald? कौन थे Kezia के नेबर, यानी कि पड़ोसी थे। What did Kezia wish? Kezia की इच्छा क्या थी? She wished her father to be happy like McDonald. वो भी चाहती थी कि मेरे पापा भी इसी तरह से खेलें, हंसें, बोलें हमारे साथ जैसे McDonald है। What was McDonald playing with his children? McDonald अपने बच्चों के साथ कौन सा गेम खेल रहे थे? टैग। What changed Kezia's perception about her father? Kezia जो अपने पापा के बारे में सोचती थी वो परसेप्शन कैसे चेंज हुआ? द नाइट शी गॉट नाइट मेयर ही कम्फर्टेड हर, जब वो अकेली थी और उसको रात में बुरा सपना आया तो उसके पापा ने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा। वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग? जो लड़कियां थी जो मैकडोनल्ड जिनके साथ खेल रहे थे वो ऑन मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट, वो कोट की पॉकेट पे टंगी हुई थी। What kind of father was Mr. McDonald? किस तरह के पापा थे? Jovial nature, मतलब जो हमेशा खुश रहते हैं। Why did Kezia start feeling lonely? वो अकेला क्यों फील कर रही थी? Because her mother and grandmother went to hospital. मम्मी और दादी दोनों हॉस्पिटल गए थे। Why did Kezia go to father's lap? वो पापा की लैप में क्यों गई? She wanted to feel safe, है ना? उसकी मदर वहां पे थी भी नहीं। To seek solace, so all, भाई मम्मी थी नहीं तो वो सेफ फील करना चाहती थी, रात में हो रही थी तो इस वजह से वो वहां पे गई। Next,
हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम स्पेक्टिकल, जब उसके पापा चश्मे में से उसको देखते थे वो कैसा फील करती थी, टेरिफाइड मतलब डर जाती थी। हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर, शी वुड स्टटर मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाती थी और हकला के बात करती थी। Why did Kezia think of her father when he used to yawn? जब उसके पापा जम्हाई लेते थे तो उसकी वो क्या सोचती थी? She compared him to a giant. वो एक giant यानी दैत्य से compare करती थी। Where did grandmother send Kezia on afternoon? Sunday afternoon को उसकी मम्मी दादी कहाँ भेजती थी? To her father and mother in the drawing room room. ठीक है, वो drawing room में अपने मम्मी पापा के पास भेजती थी ताकि वो पापा से बात कर पाए। Why did grandmother send Kezia फादर इन द ड्रॉइंग रूम संडे ऑन संडे सॉरी वो संडे को केजिया को पापा के ड्रॉइंग रूम में क्यों भेजती थी? टू मेक हर कंफर्टेबल विद हर फादर, टू मेक हर अंडरस्टैंड, टू हेल्प हर टू हैव अ नाइस टॉक। आई थिंक ये हमने शायद ऑलरेडी कर लिया है। और वॉट डिड केजियाज फादर डू इन द ड्रॉइंग रूम ऑन संडे को, वो क्या करते थे? स्लीप ऑन द सोफा, वो सोफे पे सोया करते थे। What would Kezia find her mother doing on Sunday afternoons in the drawing room? उसकी मम्मी क्या करा करती थी? वो रीडिंग किया करती थी, पढ़ती थी कुछ। Who suggested Kezia to make a gift for her father? किसने सजेस्ट किया था कि फादर के लिए गिफ्ट बना दो? उसकी ग्रैंड मदर ने। Why did Kezia tear the papers? उसने पेपर्स को क्यों फाड़ दिया था? To fill the cushion, कुशन को फिल करने के लिए। Kezia saw a dash in her dream. उसने अपने सपने में एक बूचर यानी कि एक कसाई को देखा। Name of cook was, जो Kezia की कुक थी उसका नाम था Alice, जो उनके घर में रहती थी। On the night of hue and cry, after Kezia was put to bed, she watched. उसने क्या किया? जब उसकी पिटाई लगा थी, evening light making sad little patterns on the floor. और वो फ्लोर पे पैटर्न बना रही थी, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि पापा ने उसकी पिटाई लगा दी थी। How did Kezia see the McDonald's playing? ठीक है, उसने कैसे देखा था? Through a gap. उसने जो फैंस थी उसमें एक गैप था, उस गैप के थ्रू उनको देखा था खेलते हुए। After getting beaten up, when next time she saw her father, she quickly. जब उसकी पिटाई हो गई थी, जब भी वो अपने पापा को देखती थी, वो अपने दोनों हाथ अपने पीछे रख लेती थी। Kezia's father asked her to rub her feet against his legs to make them warm. क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था और जब उसको रात में अपने पापा के साथ सोई थी तो पापा ने कहा था अपने लेग्स को पापा के लेग्स के साथ वो रब कर ले। Kezia screamed out, "Grandma, Grandma!" at night and found. जब Kezia ने अचानक बुरा सपना देखा, उसने चिल्लाई, "दादी, दादी!" तभी उसने देखा कि मेरे पापा, उसके पापा आ गए हैं और पापा के हाथ में एक कैंडल लगी हुई है। मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरह के फादर थे? वेरी जोवियल नेचर, खुश मिजाज। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। नेम ऑफ कुक वाज, वो जो कुक थी उनके घर में उसका नाम क्या था? एलिस, जेरी, सोना या नन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।